हर तरह से नाकाम है। तू उलझा हुआ आदमी है, भटका हुआ राही है, जिसे खुद पता नहीं है कि जाना कहाँ है, किसी चीज को हक से पाना कहाँ है। तू गुलाम ही है मेरे दोस्त। जब तेरा उससे रिश्ता था तब भी तू उसके इशारों पर चलता था, आज जब तुझे वो छोड़कर चले गई है तब भी तू उसके चाहतों और यादों में जी रहा है। अरे तुझे खुश होना चाहिए, एक और मौका मिला है जिंदगी को नया मोड़ देने के लिए, कुछ पाने के लिए, और कामयाब को हासिल करने का एक और मौका तुझे नसीब हुआ है। अगर मैं गलत हूँ तो खुद को आईने के सामने खड़े होकर, खुद अपनी ही आंखों में आंखें डालकर खुद से पूछ कि जब तुम उसके साथ थे तब तुम कितने निकम्मे और लाचार थे, अपना कितना समय उसके पीछे गवाते थे, ना चाहते हुए भी कितने बहाने बनाते थे। आज जब वो नहीं है, वो तुम्हें छोड़ गई, धोखा दे गई, तुम्हें गलत साबित कर गई, तब भी तुम्हें अक्ल नहीं आई। जितना आइडिया एक युवा अपनी मनपसंद लड़की को बटाने में लगाता है ना, अगर उतना दिमाग वो अपनी पढ़ाई में और अपने जीवन के असल संघर्ष की लड़ाई में लगाए तो ऐसी सैकड़ों लड़कियां उस पर फिदा होगी। तुम्हें एक बात आज एक बार फिर साफ तौर पर बोल देना चाहता हूँ, ये प्यार व्यार बस चार दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात बस यही सिलसिला चलने वाला है। मेरी बातों से वो लोग बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट कर पा रहे होंगे जो प्यार में धोखा खा चुके या प्यार में लगातार समझौते किए जा रहे। जो लोग कभी प्यार में नहीं पड़े वो शायद इन बातों को थोड़ा हल्के में लेंगे। उन्हें मैं कहूँगा, दोस्त तुम इस दुनिया के उन खुश नसीब लोगों में से हो जो जहर के बहुत करीब है लेकिन अभी तक जहर अंदर नहीं गया। लेकिन इस बात को कोई झुठला नहीं सकता कि प्यार में खाया धोखा और हुआ दर्द और तकलीफ मौत से भी बदतर सजा है। मौत तो एक बार मार कर ले जाएगी लेकिन साला ये ब्रेकअप वाला दर्द तुम्हें हर रोज मारेगा, हर पल मारेगा, हर माहौल में सड़ाएगा, हर मुकाम पर तुम्हें पीछे खींचेगा, जीवन में कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। प्यार में धोखा खाए रोमियो की हालत कुछ इसी तरह होती है कि ना तो वो दिन में जी पाता है और ना रात को चैन से सो पाता है। मैं पूछता हूँ तुम क्या हो कि लड़कियां तुम्हारे पास आएगी? क्या तुम्हारी 6 फिगर सैलरी है? क्या तुम्हारे पास 6 फीट हाइट है? क्या तुम्हारे पास 6 पैक बॉडी है? क्या तुम्हारे पास 6 लग्जरी गाड़ियां है? अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तेरे पास तो तू ये सोच भी कैसे सकता है कि तू कोई काबिल है? और जो लड़का काबिल ही ना हो सका उसके साथ कौन सी लड़की अपना भविष्य देखेगी? याद रखना, लड़कियों के सपने में राजकुमार आते हैं, मजदूर नहीं। तुझे राजकुमार बनना होगा और ये तू तभी बन पाएगा जब तेरी जिंदगी में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। अपने आप को उन बुरे यादों और खराब इरादों से जुड़ा कर कुछ बड़ा कर ले, कुछ अच्छा कर ले। जो भी कर सबसे पहले मन सच्चा कर ले, जो भी कर सबसे पहले मन सच्चा कर ले। तू पा लेगा सब कुछ जो तू चाहता है। बीता दिन भले बुरा गुजरा मगर तू हौसला बुलंद कर ले। खून के आंसू रोएंगे वो लोग जो तेरे पीछे तुझ पर हंसते हैं, बड़े खराब से ताने कसते हैं। तू फिक्र मत कर, खुदा सबका हिसाब रखता है। वो तो एक इंसान ही है, कोई खुद को मजदूर तो वही कोई खुद को मजबूत रखता है। ताकतवर बन, मजबूत बन, ऐसा बन कि साला दुनिया में तुझे कोई हिला ना सके, तुझे कोई झुका ना सके, इतिहास के पन्नों से कभी तेरा कोई नाम मिटा ना सके। इसके लिए तुझे उन यादों से निकलना होगा, लड़कियों के ख्यालों से बाहर आना होगा, प्यार मोहब्बत में धोखा और प्यार पाने की लालच को दूर करना होगा। तुझे कुछ भी करना होगा लेकिन अपना वजूद मजबूत करना होगा। जिस तरह इस आसमान में लाखों सितारे हैं उसी तरह इस दुनिया में लाखों अप्सराएं हैं। एक नहीं मिली तो जिंदगी नहीं गई, दूसरी जरूर मिल जाएगी और इससे अच्छी मिलेगी। तू बस अपने लक्ष्य पर ध्यान लगा, मेहनत लगातार करता जा, हर कोशिश के पीछे सैकड़ों तैयारी रखो, जिससे हर कोशिश तेरी कामयाबी के पहले की कहानी लिखेगी। तुझे आगे बढ़ना है, कुछ बड़ा करना है, अपना नाम बनाना है, इसीलिए अपने आप को चट्टान जितना मजबूत रख जिसे सैकड़ों हजारों किलोमीटर का तूफान भी हिला ना सके। जो तुझे छोड़ गई वो एक बदनसीब होगी लेकिन उसे बदनसीब करने के लिए और उसे जिंदगी भर तुझे छोड़ जाने के गम से घुटन महसूस कराने के खातिर तुझे उस साम्राज्यों का राजा बनना होगा जहाँ वो रहती है। तुझे उस इलाके का मालिक बनना पड़ेगा जहाँ वो रहने के सपने देखती है। और ये सब तू सिर्फ उसकी बुरी यादों में और अफसोस के वादों में, खासकर बीते हुए लम्हों में बिताकर तू कभी पूरा नहीं कर पाएगा।
इसके लिए तुझे हक से आगे बढ़ना होगा, कुछ बड़ा करना होगा, कुछ अच्छा करना होगा। और तू ये करेगा, तू ताकतवर बनेगा, तू योद्धा बनेगा, तू एक जंग जीतेगा, तू अपना हौसला बुलंद करेगा। बस खेल को बीच में छोड़कर ना दूर जा, खुद को मजबूत कर और दौड़ जीत जा।